राजस्थान में कायम रहेगा महारानी का राज, लेकिन महारानी ने ही बदल दिया महारानी का तख्तोताज। राजस्थान में बीजेपी को मिल गया अब वसुंधरा का विकल्प, दिया से रोशन होगी अब राजस्थान में बीजेपी की उम्मीद। एक वक्त था जब राजस्थान में महारानी यानी वसुंधरा राजे सिंधिया की इजाजत के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता था, लेकिन अब वसुंधरा राजे के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में वसुंधरा राजे को दरकिनार कर एक ऐसे चेहरे को प्रमुखता दी गई जिसने राजस्थान में नए कयासों को जन्म दे दिया। बीजेपी की तरफ से इशारा दे दिया गया कि अब वसुंधरा के दिन लद गए हैं, अब वसुंधरा का विकल्प भी बीजेपी को मिल गया है। इसकी झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के दौरान दिखाई भी दे गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान में हुई जनसभा के दौरान वसुंधरा राजे को न सिर्फ प्रधानमंत्री ने इग्नोर किया, बल्कि उनकी जनसभा में उन्हें बोलने तक के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। ये मैसेज साफ था कि वसुंधरा के दिन अब पूरे हो चुके हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की इसी जनसभा में एक और महारानी चर्चा में आ गई, जिनका नाम है दिया कुमारी। चर्चाएं तो यहां तक तेज हैं कि अगर राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होता है तो बीजेपी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर दिया कुमारी का नाम आगे कर सकती है। तो पहले जरा समझ लीजिए आखिर कौन है दिया कुमारी और क्यों उन्हें वसुंधरा राजे का विकल्प माना जा रहा है। जयपुर के अंतिम शासक महाराजा मानसिंह द्वितीय की पोती है दिया कुमारी। दिया कुमारी का जन्म 30 जनवरी 1971 को जयपुर के प्रतिष्ठित भारतीय सेना अधिकारी और होटल व्यवसायी भवानी सिंह और पद्मनी सिंह के घर हुआ था। राजकुमारी दिया ने राजघराने को छोड़कर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नरेंद्र सिंह राजावत से 6 अगस्त 1997 को विवाह किया। 2011 में पिता भवानी सिंह के निधन के बाद दिया कुमारी ने शाही परिवार की जिम्मेदारी संभाली। 2013 में दिया कुमारी को वसुंधरा राजे ने भाजपा में शामिल कराया। सवाई माधोपुर विधानसभा से 2013 में विधायक चुनी गई। वसुंधरा से विरोध के बाद 2018 में वसुंधरा ने विधानसभा में दिया कुमारी का टिकट काट दिया, लेकिन पार्टी ने राजसमंद से 2019 में लोकसभा का टिकट दिया और दिया कुमारी सांसद बन गई। खुद को भगवान राम के वंशज होने का दावा करने वाली दिया कुमारी इसके बाद और फेमस हो गई थी। दिया सिंह ताजमहल पर भी राज परिवार का दावा करती। दिया कुमारी को बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने अचानक वसुंधरा से ज्यादा महत्व देकर बता दिया कि दिया के जरिए पार्टी एक तीर से दो निशाने साधने में जुटी है। एक महारानी की काट, दूसरी महारानी के रूप में दूसरी एक राजपूतानी के खिलाफ राजपूतानी को उतार कर राजस्थान के सियासत में महारानी वसुंधरा का विकल्प अब तलाश लिया गया। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।